ये हमारे फार्म पे एक संतरे या ऑरेंज का प्लांट है और इसको आप देखेंगे तो कुछ पत्ते इसके खा रखे हैं और अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ये महाशय, इनको कैटरपिलर भी बोलते हैं, ये देखिए बैठे, ये खा रहे हैं इनको। लेकिन मैं फिर भी कुछ भी नहीं करूँगा, ना इनको हटाऊँगा, ना कोई स्प्रे करूँगा, ना परेशान होऊँगा। आप जानना चाहते हैं क्यों? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटरपिलर्स, या जिनको हिंदी में सुंडी भी बोलते हैं, इल्ली भी बोलते हैं, क्यों वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यों उनको हमें मारने से ज्यादा बचाने में फायदा है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये कैटरपिलर या सुंडी आते क्यों हैं। एक्चुअली ये एक तितली है या मौत है जो शुरू में एक अंडा होती है, अंडे के बाद लार्वाई निकलता है उसमें, जिसको कैटरपिलर भी या सुंडी बोलते हैं। उसके बाद वो प्यूपा या कुकून बन जाता है और उसके बाद वो फिर एक तितली बन के निकलता है, जो बेचारी 3 हफ्ते मैक्सिमम उनकी ज़िंदगी होती है और उनका काम सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्प करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन करना है, पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक लेके जाना है जिससे कि प्रोडक्शन अच्छा हो जाए। इनफैक्ट कुछ फ्लावर तो ऐसे हैं जिनके अगर तितली ना हो तो उनका पॉलिनेशन ही ना हो और उनके फ्रूट्स ना बन पाए। तो ये हमारे लिए आए हैं और बिकॉज ये फार्मर नहीं है, इनकी अपनी कोई फार्मिंग नहीं है, तो ये खाने के लिए अपना नहीं उगाएंगे, तो ये हमारे कुछ पत्ते खाते हैं। क्योंकि जो कैटरपिलर होता है, जब वो कुकून में जाता है या प्यूपा में जाता है, तो उससे पहले उसको खूब खाना होता है, एनर्जी सेव करनी होती है और उसके लिए वो हमारा 5-10% खा लेता है। तो अगर आप नेचुरल फार्मर हैं, ऑर्गेनिक फार्मर हैं, तो आपको ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप कितना भी उगा लें, 10-15% तो नेचर लेके जाएगी ही और लेके जाना भी चाहिए। 100% आपको कभी नहीं मिल सकता क्योंकि आपका हक ही नहीं है। आई एम श्योर यहाँ पे कुछ किसान भाई बोलेंगे कि उनके यहाँ तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, काफ़ी फसलों का नुकसान करती हैं ये सुंडी या इल्ली, बट उसका रीज़न भी हम ही हैं। हमने एक फसल प्रणाली लगाकर, ना वृक्ष लगाकर, जैव विविधताओं को बिल्कुल ख़त्म करके, पेस्टिसाइड डाल डाल के जो इनके नेचुरल प्रेडेटर हैं, जो इनके नेचुरल भक्षक हैं, उनको मार दिया है, तो फिर इनकी पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होगी? अगर कंट्रोल नहीं होगी तो 5-10% के बजाय वो 40-50% नुकसान करेंगे। तो इनके नेचुरल भक्षक या प्रेडेटर कौन होते हैं? इनके जो नेचुरल प्रेडेटर होते हैं वो होती है चिड़ियाएँ, वो होते हैं येलो जैकेट जिसको ततैया भी बोलते हैं, रेड बीटल एट्सेट्रा। बट क्योंकि हमारे यहाँ ना तो बायोडाइवर्सिटी है, ना हमारे यहाँ वृक्ष है, ना हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा प्रबंध है जहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ आए, तो फिर कैसे उनको वो खाएंगी और कैसे उनको कंट्रोल करेगी? तो ये पूरा एक सर्कल है और सर्कल के कोई भी पीसेस अगर हम हटाते हैं तो नुकसान हमें ही भरना पड़ेगा। तो नेचर या प्रकृति में कुछ भी यूजलेस या व्यर्थ नहीं है। यहां कोई भी जीव जंतु बिना मतलब के नहीं आया है, उसका एक फंक्शन है और उस फंक्शन को उसको पूरा करना है। अगर हम नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो हमें वो समझना है और उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिससे कि वो उस फंक्शन को आराम से पूरा कर पाए। कोई भी अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग की बात करता है तो ज्यादातर यही समझता है कि बस केमिकल यूज ना करो और ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको इतना सा भी नहीं आता ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है इस पूरे नेचर के सिस्टम को समझना, जितने भी वाइल्ड लाइफ या जीव जंतु हैं उनका फंक्शन समझना, क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, उनको ऐसा एक एनवायरमेंट देना कि वो साथ में रह पाए और अपना काम आसानी से कर पाए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग से कोसों दूर रहेंगे। इनफैक्ट अगर आप किसी फार्म पे जाते हैं या गार्डन में जाते हैं और वहां पे बटरफ्लाईज बहुत सारी दिखती हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि वहां पे असल में नेचुरल फार्मिंग हो रही है और वहां पे जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये जंगल जैसा एनवायरनमेंट अगर आपको दिखे, जंगल में आप जाएंगे तो तितलियों की भरमार मिलेगी,
तो अगर ऐसा है तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप सही रास्ते पे हैं। दोस्तों लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि मैंने इन 6 साल में नेचर से ये सीखा है कि उनका जो पूरा सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है, उसको आप और अच्छा नहीं कर सकते। तो आप अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा उस सिस्टम को, उन पूरी संरचना को समझने में लगाएं। जितना आप उसको समझेंगे उतना आपका अलाइनमेंट हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ भी व्यर्थ नहीं है, कुछ भी वेस्ट नहीं है। को एग्जिस्टेंस या साथ जीना ही पर्यावरण का असली मतलब है और एक असली जैविक किसान या ऑर्गेनिक फार्मर वही है जो इस प्रकृति की व्यवस्था को समझ के, इसके रूल्स को समझ के उसका प्रोटेक्शन करे, ना कि अपना दिमाग लगा के उनको ब्रेक करे या कुछ ऐसा करे जो नेचर ने कभी नहीं बनाया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज इसको फॉरवर्ड कीजिए उन दोस्तों के साथ जो आने वाले टाइम में एक असली ऑर्गेनिक फार्मर बनना चाहते हैं। मैं फिर आऊंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।